और ज्योतिष आचार्य जी, नवरात्रि आने वाला है जो काफ़ी शुद्ध का पर्व माना जाता है इसे सनातन धर्म में, तो उस दिन भूलकर भी क्या कार्य नहीं करना चाहिए जिसे जातक के ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। नवरात्रि के समय माता रानी की पूजा होती है, माता सबके घर में पधारती हैं, तो उस दिन विशेष, उस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप ये नहीं कि जाने अनजाने में आप गलती कर दें, भूल कर दें, इसलिए पहले से सतर्क रहें। कोई भी कार्य करने के लिए पहले से सतर्क होना अति आवश्यक है। इसलिए जो वासंतिक नवरात्र आ रहा है, चैत्र नवरात्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको कि करने से बचें। सबसे पहली बात है, चैत्र नवरात्रि के समय नए वस्त्र को खरीदे नहीं, नए वस्त्र खरीदना मना है, जूता कभी नहीं खरीदे, और चमड़ा का जो बेल्ट होता है, चमड़े का बना हुआ बेल्ट, वह कदापि न खरीदें, वह बहुत आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और क्या, नवरात्रि के समय आप नाखून बाल न ही कटवाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मांस मदिरा नशा का सेवन न करें। नवरात्रि के समय पूरे 9 दिन तक घर की शुद्धता को बनाए रखें, और नवरात्र के समय विशेष रूप से काला कपड़ा धारण न करें, हो सके तो लाल पीला ही कपड़ा धारण करके माता रानी की पूजा करें। माता रानी का कृपा पात्र बने, माँ का कृपा पाने के लिए सबसे पहले शास्त्र का भी यह मत है, देवं भूत्वा देवं यजेत, यानी आप अपने पहले देवताओं के स्वरूप को बनाएं। चंदन लगाना, नए वस्त्र, धोया हुआ वस्त्र पहनना, लाल या पीला, और माता रानी का पूजा करना, यही नियम है। और कोई गलत कार्य नवरात्रि के समय न करें, नहीं तो उसके बदले आपको हानि भी होगी और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।